सो गाइस अभी हम लोग मुमरा से निकल रहे हैं। मुमानी का देखो हालत देख कर देखो। अरे मुमानी मुमानी बोले अचानक भाई ने एक वीडियो बनाया, वो भाग गया। देखो रिपोर्टर भाग गया वहाँ पे। क्या बोल रहे हो, क्या निकाला? चलते हैं फटाफट, अभी हम लोग जा रहे हैं सामने मुमरा का पहाड़ है। चलो दोनों जन खड़े हो गए तो मुँह छुपा रही है। ये नेमा फिल्टर लगा दूंगा, नेमा लिपस्टिक लगाएगी, सफेद आंख के नीचे काजल लगाएगी, भूतलग के जैसा। ये नेमा फिल्टर लगा दो जरा, फिल्टर लगा दो जरा नेमा, मुँह दिखा, मुमानी हटो जरा। नेमा के लिए रुक जा, रिश्ता लेके आता, रुक जा नेमा के लिए रिश्ता लेके आता। तो फाइनली अभी हम लोग निकल गए। मैंने सलाम वहाँ करी ना मामू के यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, हालांकि करी मैंने, आप लोग जानते हो, देख लोगे पता चलेगा, पर इनको ध्यान में नहीं है, ये सुने नहीं होंगे। तो खैर कोई नहीं, अभी निकल गए हम लोग, अभी जा रहे हैं घर पे। थोड़ा मन नहीं था मेरा जाने का, क्योंकि मन ना घबरा रहा, आपा की तबीयत इस बार थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई थी, नहीं अच्छा लगा देख करके। आँख वाँख एकदम चढ़ा लिए थे, डॉक्टर बोले अगर ज़्यादा एडमिट करना पड़ेगा, पर अल्लाह के करम से उनका मेन बीपी नॉर्मल हो गया, उन्होंने किसी चीज़ की टेंशन बहुत ले लिए थोड़ा, इसीलिए उनको वापस से ये चीज़ हो गई। बस आप लोग दुआ करना मेरे अब्बा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो बड़ी है और मेरी बड़ी वाली आपा बेचारी जो है ना, तो बेचारी वो बहुत परेशान है, तो उसका टेंशन उनको बहुत हो गया, क्योंकि वो हमारे घर का ऐसा बच्चा है हम बच्चों में जो मतलब ज़्यादा लड़ नहीं पाता, रोता है वो, ज़्यादा परेशान है, बहुत परेशान है, उसकी ज़िंदगी बोलेंगे ना बहुत ख़राब है। तो उस वजह से ना बहुत अब्बा को, इसलिए कल वो रो दी ना, तो उनको बहुत टेंशन हो गया। तो हमारे सब्सक्राइबर दिखे थे बेचारे, इसलिए मैंने थोड़ा सा बंद कर दी थी। खैर अभी जा रही हूँ घर पे, बस अब्बा के लिए दुआ करो, उनको समझाई बहुत अब्बा को, शांत करी हूँ अभी, बात वक्त तो कुछ आज की है नहीं, उन्होंने ज़्यादा खाली हाथ का थोड़ा बहुत इशारा किया, उनको सर बहुत दर्द हो रहा है। अभी देखती हूँ इंशाल्लाह एक दो दिन में अपना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट निकालती हूँ और उनको एक बार लेके जा कर के दिखा कर आती हूँ क्या है क्या नहीं। और अगर बहुत टेंशन में थे ना, तो मैंने इसलिए वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई। हाँ मम्मी का थोड़ा वीडियो बना दी, क्योंकि बेचारे उनका उससे थोड़ा बोलते हैं ना, घर चलने का एक छोटा सा जरिया होता है ना, कि एटलीस्ट 7 महीने में इस बार पहला उनका, एक साल में पहली बार सैलरी उनकी आई है 7,000 रुपया। तो अब देखो दूसरी पता नहीं कब आती, क्योंकि बेचारे इतना मेहनत करते हैं, वीडियो डालते हैं, लेकिन व्यू वैसा है नहीं, तो सैलरी बनती नहीं। लोगों को लगता है व्यू आ जाता है बहुत वीडियो पे, तो लगता है सैलरी बहुत, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वॉच टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि आप वीडियो कितनी देर देख रहे हो, क्या देख रहे हो, हर चीज़ ज़रूरी होती है। और जिनको सपोर्ट करना चाहिए उनको सपोर्ट करो, क्योंकि हम लोग को आप लोग की सपोर्ट बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे घर देखने हैं, बहुत सारे, तो छोड़ो मुझे आजू की अम्मी का घर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं सबका, मेरे मामू हो गए थोड़ा उनकी तकलीफ दूर करने का, मेरे अब्बा हो गए उन लोग का, बट जैसा अल्लाह ने नसीब दिया है, चलो देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं क्या नहीं, अपन अपनी मेहनत पूरी करेंगे। अभी मैं सोच रही हूँ मेरी मेहनत थोड़ी और बढ़ा दूँ, मुझे मिलते हैं मेकअप के ऑर्डर, लेकिन कैसा है ना पैसे के मामले में बहुत वो करते हैं, कम करो ये करो, हम भी मेकअप आर्टिस्ट हैं यार, हम सामान लेके भी जाते हैं दूर, इतना मेहनत करते हैं, 3 घंटा 4 घंटा खड़े रह करके मेकअप करना आसान काम नहीं है, कोई नहीं कर सकता, तो हम अपने हक का, अपने सामान का पैसा लेते हैं। तो यार 2,000 में 1,000 रुपये में मेकअप नहीं होता, ब्राइडल का 3,000। और फिलहाल अभी यूट्यूब से भी इनकम नहीं हो रही है, कि मैं इसकी अम्मी अब्बा का अच्छा मतलब प्रॉपर खर्चा उठा सके हम लोग, या मेरे मामू को जो भी थोड़ा बहुत खर्चा सके, पर अभी बहुत ना के बराबर है। मेरा वीडियो अगर अच्छा चलता ना, 50-50 हज़ार 1-1 लाख व्यू अगर मेरे को आता ना, मेरी इंशाल्लाह सैलरी मेरी नई नई बोल के 50,000-60,000 बनती ना, तो मैं एकदम बेफिक्र रहती मेरे माँ बाप को देने के लिए, अब मामू को देने कर, सबको देखती इंशाल्लाह। क्योंकि पहले मैंने एक टाइम पे बोली हूँ ना, ऐसा खुला हाथ हम लोग ने उड़ाए हैं, हम लोग कमा रहे थे ना, तो हम लोग देखते थे, खुला हाथ उड़ाते थे, हमने जमाने का कभी अपने लिए सोचे नहीं, क्योंकि अगर किसी की ज़रूरत पूरी हो रही है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। हमने तो कितने ऐसे अनजान ऐसे लोग रहे हैं जिनको हमने बोले ना आँख बंद करके मदद की है खुशी से, क्यों ये सोच के कि अल्लाह कहीं ना कहीं से देगा, देखते हैं अभी क्या हो गया। What happened? मेरा बाबू रो रहा है बेचारा, अच्छा मेरा मत टेंशन लो यार, सब अच्छा हो जाएगा, कोई नहीं। हाँ बार बहुत टेंशन लेती है उसके अब्बा को लेके, उसके अम्मी को लेके। देखते हैं गाइस, कीप सपोर्टिंग, आप सपोर्ट करो यार, आप लोग दुआ भी करो, हम लोग के मतलब अच्छे वीडियो में खामी निकालते हैं, बुराई करते हैं, पता नहीं क्या तकलीफ है, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, अच्छी चीज़ बना रहे फिर भी आप लोग हम लोग को बुराई बोलते हो, हेट कर रहे हो,
पता नहीं क्यों अच्छी चीज़ें पसंद नहीं है तो बता दो, फिर हम लोग भी फालतू चीज़ें करेंगे, फालतू वीडियो बनाएंगे ताकि फिर आप लोग को और मज़ा आए, अच्छा लगे, है कि नहीं? अस्सो ओ अस्सो मत रो मेरा बाबा, मत रो मत रो, चलो चलते हैं अपने रास्ते में। पहुँच गए दरगाह, अचानक में भयानक एकदम आतिफा की बीच थी, नमाज पढ़ा हाँ। तो हम लोग भी नमाज पढ़ लिए ना हाँ। पढ़ा गया, मेरी टोपी निकाल रहे ना, पहने ना ये मेरी टोपी निकाल रहा है, पहने दे चलेगा। लाइट नहीं चालू है दादा करके, सब लाइट बंद है, ये भी लाइट बंद है, वहाँ पे भी लाइट बंद है। इसको मेरी टोपी रखने गया, मेरे बाप मेरी टोपी के पीछे कहाँ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, मज़ा आ रहा भागने। हम यहाँ बैठे हैं, मेरे यहाँ बैठे हैं, मम्मा उसके अंदर है और यहाँ पब्लिक देखो बहुत है माशाल्लाह। आज संडे के मैं नहीं भी पढ़ रही मम्मा, और बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देख क्या मम्मा को हाँ। क्या हुआ क्यों जा रहे हो? मत रो रे दीदी, जा तसली दे के मम्मा को, बोल जा मत रो, जोर से बोल क्या बोल रहे हैं। देखो ये आसिफा उमेर खड़ा है और शायद सब्सक्राइबर लोग से बात कर रहे थे, काम मिल गया यार, चित हो गई है, देखो आ रहे हैं लोग, कहाँ गए ये, चलते रहो, बैठो ना थोड़ा देर, बैठते ना सब्सक्राइबर मिले हाँ मालूम है, मेरे को भी मिले, खबर मम्मी की आप भगा के दीजिए, मेरे को भी मिले बहुत सारे लोग हाँ। चलो ठीक है भाई, फोटो खींचा तुम लोग का, तुम्हारा और मेरे का, वो क्या देख रहा हूँ मैं, क्या ये बता बता क्या क्या है, अरे करके चिल्ला दियो, चलो ए चूहा भी घूम रहा था हमने, वो अनोखा वाला जीव है, चलो चलो उमेर गाना, फाइनली जस्ट हम लोग पहुंच गए, उमेर यहाँ क्या कर रहा है, चुन्नू का यार, यहाँ पे देखो पूरे धुले हुए कपड़े ऐसे ही रख के हम लोग भागे थे, अच्छा लगा भागे थे, पूरे कपड़े तो इधर ऐसे पड़े हुए हैं, सब ऐसे भागे थे कितना अचानक, सबसे पहले टोपी उतारो, बाप रे बाप गर्मी था, अभी चुन्नू को बुलाया मैंने, पकड़ा ऐसे लगा कुछ है दम लगा, हां चेक करना पड़ेगा, अभी नीचे गया तो तुझको तो पूरा खड्डा हो गया, हां दे बात में हगा हगा तो नहीं ना, पानी मार जरा, अरे अल्लाह हालत खराब हो गई, क्या हुआ था, अरे हां अल्लाह नया हो गया हां, तो हां मैडम लगी है ऊपर काम पे जा रहे हैं, चलो जा रहे हैं आज केक लाने, उसको सरप्राइज देते हैं, नहीं वो सब आइडिया नहीं थी, चलो देखते नहीं नहीं ये उमेर की उमेर ने केक ले लिया है ना हाँ। क्या बोलते हैं, कभी भी केक खराब हाँ तो छूट सकता है, बाप रे छोड़ना मत, मम्मी का सरप्राइज है वो है ना, मेरा अच्छा सा आइडिया देता है, मम्मी को चाची का देते अपन चुपके लाते मम्मा काम करी घर में जाएंगी तो कहाँ से करेंगे हाँ। पागल यहाँ सरप्राइज लेके रखा है आशिफा के लिए, लेने आया था मेरे को फोन कर दिया, जल्दी ले जा, चल आता हूँ, चार चल छुपा के रख जानू कहाँ, अस्सलाम क्या पता नहीं, हैप्पी बर्थडे अस्सो, हैप्पी बर्थडे, 12 बज गया गाइस, हैप्पी बर्थडे, अभी से काम खत्म अस्सो, अभी से 12 बजे से टाइम पे 12:05 को काम, अभी के 12 बजे से और कल के 12 बजे तक आज पूरा काम मैं करूंगा, जो भी कुछ भी काम रहेगा, कुछ छोड़ी नहीं तो काम क्या करोगे तुम, है ना, बर्तन धोड़ी झाड़ू पोछा कर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, मेरा बच्चा खुश रहो हमेशा, हमेशा खुश रहो, टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, चलो चलो केक काट, कहाँ है केक, केक किधर, आई लव यू टू, हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहा हूँ हाँ, तो मैं तो आई लव यू बोलूंगी ना मेरे बच्चे को हाँ, आई लव यू टू थ्री फोर, आते आते आती पहले मेरा मुंह कुत्ते का जैसा वाला सुधारूंगा, कुछ भी बोलती मैं भी बोलते। मैं अपने आप को कुछ भी बोलती हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ती, क्या झूठ बोल रहा है ये, बोलता
लाइनर लगाऊंगा। ओह माय गॉड, लाइनर कल लगाऊंगी फिर आपको, तो मैं सो जाऊंगी, तो लाइनर लगा के क्या करूंगी। आशिमा हां रुको ना, अरे यार तो चलो यार, अच्छा मजा आ जाएगी, चलो चलो चलो। अरे माँ कैसा, मैं छुपा के लाया, मेरा काम था ये। ए देख, थैंक यू थैंक यू, माय गॉड रसमलाई। ए सबाना आ जा, बोलो कैसे लाया तुम बर्तन धो रहे, मैं इसलिए चालू के बाहर बैठा था, अम्मी जैसे अंदर घुसे लाया फ्रिज कर लिए। अरे अरे मुंह से थूक टपका दिया, छीरे गंदा। चलो काटो, चलो रख दो, मेरे क्यों नहीं काट रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे काटा करें ना। नहीं फिर अगर तू नहीं आएगा तो देख, चलो काटो काटो, अभी हम लोग तीन ही जने, लोग नहीं आ पाएंगे, लोग के बच्चे, तीन तीन बच्चे हैं, उठा के लाने थोड़ा भारी पड़ेगा। हाँ चलो कोई नहीं, अकेला सेलिब्रेशन, सिंगल सेलिब्रेशन, नो क्राउड, ओनली फॉर माय वाइफ एंड मी एंड माय हस्बैंड। हां बोल रहा है, देखो मैं पूछ ही, तू आ रहा है क्या? आ जा, कौन आ रहा है? हस्बैंड तुम काट रहे मेरे बिना बोलता है। आ रहा है तू, आ जा जल्दी, आ जा, आ रहा है तू। अब भी टी शर्ट पहन, चप्पल पहन, वहां से निकल और यहाँ पे पहुंच, आ जाओ फटाफट, जलाओ उसको, देखो जल गया, कैंडल पिघल के नीचे चली गई, उसमें किसमें और नीचे, मैं दोनों में जला, एक ही जला, ये भी ना बात है, तो जलाते। चलो नाइफ किधर, नाइफ। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday dear Atifa, Happy birthday to you। ताली बजा रहे, ताली बजाओ, ताली बजाओ, हसन ताली बजा। पहले मेरे जानू को खिलाऊंगा। मलाई के लिए मलाई, मेरे बल्ले ये हसन, ताली बजा, हैप्पी बर्थडे, ताली बजाओ। खाओ, बस बस खाओ, चलो मम्मा को ठीक है, जा रहा हूँ उसको, बहुत ही सबाना गया कि वो लोगों ने बुलाया। हाँ चलो, तुम्हार तुम आएंगे तो अंडा टोटा ठीक है, तो सारी टेंशन मत लो, माइंड फ्रेश करेंगे। थैंक यू, चलो ये चड्डी नहीं है रे, चड्डी पिला उसको, वो भी बोल रहा है। हाँ डे बंदर की तरह कर रहा है, वो पिक्चर देख लिया क्या, भालू वाली जो उमेर देखा था उस दिन, अरे हाँ वो वाली, क्या बोल रहे, वापस बोलो मेरे, वापस बोलो, समझ रहे बराबर। क्या बोल रहे हैं सबको, है ना, तोते वाली मिर्ची खिलानी पड़ेगी, तोते का ये लोग सबको। आज 19 अगस्त और पता चला जाएगा ना, 19 आज रक्षाबंधन है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे चड्डी पहना दिया मैंने ताकि उसको वीडियो, चड्डी पहना दिया ताकि वीडियो बना, बोलो हैप्पी बर्थडे बड़ी मम्मा, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, चलो भी ना हमारे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ए, ए, बोलो तो सही। हैप्पी बर्थडे, हे, हैप्पी बर्थडे, हाँ, किसका बर्थडे? मेरा बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे। क्या हुआ? अरे थैंक यू लिखा था बेचारे को, मैं बहुत दे रही हूँ यार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी कार्ड तो सही है, वहाँ से कार्ड पकड़े, क्या बात है,
ये मेरे और सबाने की तरफ से छोटा सा तोहफा। मेरे बर्थडे का दूसरा केक 12 बजे। भाभी हमारे बच्चों लोग के लिए इतना सब कुछ करते तो हम तो इतना हमारे हमारे बच्चे हमारे बच्चे हमारे कलेजे इसको देखो कलेजे को कलेजे को गोली मार रहा कलेजे पे। ओके डोंट टच यू। कैमरा चालू हो रहा मुंह का इधर नहीं चेंज हो गया रे का मत बोले मेरा तमाशा बना होता। डोंट टच यू डोंट टच कैसा बोल रहा है बच्ची को। अल्लाह तवाना खाली था बोलती है अल्लाह तो उसका मुंह देखना बन जाता है। अल्लाह यू डोंट टच अल्लाह मेरे बच्चे को कैसा बोले अल्लाह बोले मेरे बच्चे को समझा तू कैसा बोले मेरे बच्चे को ये बच्चों की इमोशन यही करती है बच्चा होता नहीं है। अरे चले गए उधर। अरे वाह पप्पी दे दो पप्पी दे दो पप्पी दे दो बड़ी मम्मा को पप्पी दे दो जल्दी। ये सब खा क्या बोलते बोलो चलो चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. बोलो जल्दी। तेरे को फोटो खींचे हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. चलो फोटो। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. माथा क्यों लाल हो गया उसका माथे भी क्या लग गया प्लेट मांग रहे प्लेट हाँ प्लेट मांग रहे बराबर देखो प्लेट मांगा उससे चम्मच खुद की लेके आया। आओ आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर इधर आओ इधर लाओ आओ इधर आओ आ जाओ क्या बात जगह बना रहे ऊपर का सुखा तुमको खिलाया मलाई तो खिलाया नहीं तो मलाई तो नीचे सुनील शेट्टी को लाल टपक रहे कैसे अरे मलाई देख के लाल टपक रहे क्या कर रहे हो तुम सबको रिप्लाई दे रहा हूँ तो सबको रिप्लाई देते सब लोग लिख रहे हैं भाई हैप्पी बर्थडे आशीर्वाद हैप्पी बर्थडे आशीर्वाद रीजन लिखता है हैप्पी बर्थडे भाभी लिखा मतलब थैंक्स तो बोलता भाई केक मतलब हाँ भेज दे घर पे क्या बोलो बोलता भाई केक तो मतलब हाँ भेज दे घर पे क्या बोलो एड्रेस दे देता हूँ केक भेज देगा वो साथ में मतलब साथ में पहले बहुत पहले जॉब करता था तो अभी लिखा हैप्पी बर्थडे भाभी मतलब थैंक यू सो मच बोलता भाई केक हमारे फ्रेंड है सैम फरा उन्होंने भी विश किए उनका बर्थडे कल था शायद 18 अगस्त को तो अपन कल अब्बा के वहाँ थे परेशान थे थोड़ा तो नहीं देख पाए तो मैंने अभी विश किया उनको उन्होंने बोले मेरा तो खत्म हो गया सैम फरा ने बोला कोई बात नहीं हमने आज उनको मैंने विश किया मेरे मतलब 20 पैसे भी फायदा होने के बाद करते हैं इसलिए मैंने आपको बाद में किए हां कोई बात नहीं आई एम सॉरी हम लोग का थोड़ा मतलब अब्बा की वजह से थोड़ा नहीं हां कल हम लोग वैसे भी हो सब आदमी थे अभी भी मतलब इतना नहीं है अभी दिमाग अभी तो मेरे को नींद आ रही है बहुत सोंगी अभी घर जाके सबको रिप्लाई देने में लगी हूं सबको रिप्लाई दे रहा हूं एक कोई तो मेरा अननोन नंबर से मेरे को मैसेज करके फोन कर रहा है फोन कर हेलो हेलो शफीक आई लव यू मतलब अच्छा ठीक है और कुछ
अच्छी बात है, मेरे प्यार करता है, मोमबत्ती बना के रख लो। तो बोलती मोमबत्ती बता के कहाँ डालू, बोला डालू मत, उसको जला के रख लो मैं बोला। तो बोलती है आई लव यू शफीक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शफीक, बोला अच्छी बात है। तो बोली ऐसा कहते मैं तुम्हारी आवाज मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारा मेरी आवाज रिकॉर्डिंग करके रोज सुन रहा। अभी कौन आया इतना मजे ले रहा है, हेलो शफी क्या कर रहे तो अभी क्या कर रहे, सबको मैसेज का रिप्लाई दे रहे था, फिर क्या करेंगे यार। बर्थडे किसका रिप्लाई कौन दे रहा, बोले मैं आज के दिन कुछ नहीं करने वाली। तो गाइस सो गाइस सिर्फ 110 फॉलोवर चाहिए आसिफा के 10,000 होने के लिए, 110। तो जल्दी जल्दी इंस्टा पे जाओ, आसिफा शफीक पे फॉलो करो और आसिफा के 10,000 सब्सक्राइबर फॉलोवर जल्दी करो, ठीक है। बर्थडे गिफ्ट नहीं, बर्थडे गिफ्ट तो इससे बड़ा है, छोटा मोटा चीज है। अच्छा बर्थडे गिफ्ट बड़ा चाहिए, तो क्या है, अच्छा। मांगता है क्या जल्दी जल्दी मेरे को मेरे क्या बोलते हैं यूट्यूब पे फॉलो करो, फटाफट सब्सक्राइब करो, 1,00,000 करो। देखो मेरा यूट्यूब बटन आता कैसा है, कर हाँ गूगलुक का भी वही तो, हाँ देखो ना वही तो। 12 बज गए, तो 12 बजे के बाद देखो क्या हाल हो रहा है, हाँ कौन बर्तन धो रहा है, क्या हाल हो रहा है। और देखो मैंने मेरा ऐसे इनको करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा बोलती हूँ लेकिन मैं कर देती हूँ, और फिर भी मेरे जानू मेरे लिए कर रहे, मत करो जानू मैं कर दूंगी बेटा, मत करो जानू मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी मत करो, अब कंगालने भी आ जाऊंगी मैं, मत करो, मैं खाली ऐसी बोलती हूँ लेकिन मैं करती हूँ अपना काम। खैर कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, जितने भी लोगों ने मुझको विश किए, इतना सारा प्यार दिए, सब दिए, बस दुआ कीजिएगा बहुत सारी, बस अभी तो खाली हिम्मत की और दुआओं की बहुत ज़रूरत है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए नहीं मेरे माँ बाप के लिए कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। गाइस फाइनली अभी हम फ्री हो चुके हैं, तो मिलते हैं गाइस आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना। प्यार सपोर्ट और दुआएं बनाए रखें, मैं राजा सोना बहुत थक गए, हाँ हम लोग भी बराबर सोए नहीं, ये मामू ये अम्मी के यहाँ मामू के यहाँ पर नींद पूरी नहीं हुई, 4:30 तक अम्मी और मैं हम लोग दोनों जागे हुए थे कंटिन्यूसली, अब्बा को देख रहे क्या है क्या नहीं, कुछ कम ज़्यादा ना, उनका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली चेक कर करके बहुत। इस बार अब्बा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर हम लोग दरगाह गए, दरगाह में बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले माशाल्लाह, तो नमाज का टाइमिंग था तो मैंने भी वहीं पढ़ ली, इन्होंने भी वहीं पढ़ ली है मगरिब की, और मैं सूरह यासीन पढ़ती बैठी थी तो मेरे को बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, उसमें से एक मिले तो बोले उनके भी अब्बा की ऐसा तबीयत ख़राब थी, और जस्ट बोले 3 महीना पहले उनके अब्बा का इंतकाल हुआ, तो मैंने फिर मगफिरत की दुआ करी, वो भी बहुत रो रहे थे, मैं तो बहुत रो ही रही थी, वो भी रो रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा, वो मेरे को दिलासा दिए, फिर आंटी आए उनको दिलासा दी, गले लगाए वो, फिर बहुत सारे आए, सब मिले सब, फिर सबके मतलब थोड़ा बोले ना हम लोग सब थोड़ा अपसेट हो गए थे सारे के सारे, हाँ इमोशनल मोमेंट हो गया था, फिर फोटो वोटो खिंचाए मैंने, उन लोगों को हिम्मत दी, उन लोगों ने मुझे दिए, हम लोग सब ने बात की है, फिर मैं इनके पास आई थोड़ा माइंड फ्रेश करके, अच्छा लगा थोड़ा, फिर आई तो ये बैठे थे बेचारे इंतजार में मेरे जब तक। चलो अभी आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अपना प्यार ही देते रहे, हाँ तो प्यार से बोल रहा, पता नहीं मेरे को आज राइट साइड में ना यहाँ दर्द हो रहा है, चलो तुमको मसाज कर, नस पकड़ लिया सर एक बार, मसाज कर देती हूं, बोलिए ना ऐसा 5 मिनट रुक के, चलिए फिर मिलते हैं गाइस, दुआ में याद रखना, तो अल्लाह हाफिज है, मिलना हमको वापस है, चिंगम खाओ चबा के, YouTube चलाओ, बाय बाय गाइस, गुड नाइट, सो गाइस बाय बाय, अल्लाह हाफिज।